महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के नाग चंडेश्वर के पूर्व द्वार पर स्थित प्रतिहारेश्वर महादेव 84 महादेवों में 20वें नंबर के महादेव हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष के यज्ञ में अपने देह को जलाने के बाद सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनका शिव से विवाह हुआ। विवाह के उपरांत शिव पार्वती मद्रांचल की एक कंदरा में रति क्रीड़ा करने लगे। वर्षों तक देवता प्रतीक्षा करते रहे कि शिव के जो पुत्र होगा वह राक्षसों का नाश करेगा। तब देवगुरु बृहस्पति की सलाह पर वे सब शिव से निवेदन करने मद्रांचल पहुंच गए। वहां कंदरा के बाहर नंदी पहरा दे रहे थे। तब अग्नि ने निश्चय किया कि वे हंस का रूप धारण कर गुफा में प्रवेश करेगी। तब नंदी की आंख बचाकर अग्नि हंस के रूप में गुफा में प्रवेश कर गई। वहां जाकर उन्होंने शिव जी के कान में कहा, महाराज बाहर इंद्र आदि देवता आपकी सेवा में खड़े हैं। तब शिव जी बाहर आए। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि अब आप यह काम क्रीड़ा बंद करने की कृपा करें। उनके हाँ कहने पर देवता स्वर्ग को लौट गए। तब शिवजी ने क्रोध में आकर नंदी को श्राप दिया, जिससे वे पृथ्वी पर आ गए। नंदी को पश्चाताप हुआ। उन्होंने विचार किया कि अग्नि ने उन्हें धोखा दिया है। नंदी की दुर्दशा देखकर लोकपालों को दया आ गई। उन्होंने नंदी से दुख का कारण पूछा। नंदी ने सब कुछ बतला दिया। तब उन्होंने नंदी को सलाह दी कि आप महाकाल वन में जाओ। यह सुनकर नंदी कपालिक का शरीर धारण कर महाकाल वन में आए और शिवजी की पूजा करने लगे। तब इस लिंग की पूजा से नंदी का श्राप दूर हो गया। यह लिंग तब से प्रतिहारेश्वर कहलाया। प्रतिहारेश्वर की पूजा करने से भक्त का स्थान भ्रष्ट नहीं होता है और उसे अपने कुल सहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।